ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में बिजली निगम के कर्मचारी आज कार्यालय के बाहर जमकर गरजे। उन्होंने इस नीति को काला कानून करार दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी नेता बोले कि यदि सरकार ने इस नीति को रद्द नहीं किया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निगम के कर्मचारी तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत न केवल महकमा प्रभावित होगा बल्कि आम जनता भी समस्या से रूबरू रहेगी। तूफान और बारिश के मौसम में जब हर कोई अपने घरों के अंदर होता है तो उस समय बिजली कर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों के घरों में रोशनी लाने के लिए डटे रहते हैं। सरकार को इस महकमे के अंदर जो तकनीकी गुण है वह नजर नहीं आ रहे। यदि यह कानून रद्द नहीं होता तो कर्मचारी तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही साथ लोगों को भी प्रभावित होना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तकनीकी तौर पर इस कानून पर गौर करें और इसे रद्द करें। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 स्थित बिजली निगम में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के कुछ अधिकांश सदस्य। मैं आपको बता दूं कि यहां पर किस लिए एकत्रित हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो सरकार द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति बनाई गई है, जो कानून लागू किया, वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इससे ना केवल इस नीति से ना केवल महकमे का काम प्रभावित होगा बल्कि इनका भी काम प्रभावित होगा। और क्योंकि ये किसी ना किसी जहाँ पर ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, इसके बारे में उन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी है कहाँ पर फॉल्ट मिल सकता है। इनको अगर ऑनलाइन ट्रांसफर के तहत एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो इनको कम से कम कुछ महीने या एक साल या डेढ़ साल तो उस जगह के सारी चीज़ों को समझने में टाइम लग जाएगा कि इस पोल में कितना फॉल्ट है, कहाँ पर कौन सी तार जा रही है, कहाँ से कौन सी तार आ रही है, कहाँ पर इनको फॉल्ट मिलने की संभावना है। यह सब नीति, हालांकि इन्होंने अपनी मांगों के दौरान यह स्पष्ट भी कर दिया कि ऑनलाइन नीति से ना केवल इनको प्रभाव पड़ेगा बल्कि सर महकमे के काम को भी प्रभावित पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर आम जन पर पड़ेगा क्योंकि इनका जो काम करना है ये बड़ा रिस्की काम है, ये जान जोखिम में डाल काम करते हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं कर्मचारी संघ के नेता उमेद मलिक जी। मलिक साहब, आप सरकार की ऑनलाइन जो ट्रांसफर नीति है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि ये जो ऑनलाइन पॉलिसी सरकार लेके आई है ये बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए बेहद खतरनाक है। इससे इनके काम करने के बाद एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा, उपभोक्ताओं के काम में देरी से होंगे साथियों, और इसी प्रकार से जैसे उपभोक्ता परेशान होगा तो हम भी परेशान होंगे। वो कहीं ना कहीं हमारी शिकायत ऊपर करेगा, उच्च अधिकारियों को करेगा, सरकार को करेगा साथियों। इससे सरकार की भी बदनामी होगी और विभाग की भी बदनामी होगी। इसलिए हमारा हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन का मैनेजमेंट और सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार की नीतियों को ना लागू करे, बल्कि अगर हमारा कोई कर्मचारी काम नहीं करता है उसके बारे में कहीं शिकायतें आ रही काफ़ी सारी, आप उसको चेंज कर दो, उसके लिए संगठन कभी एतराज़ नहीं करता साथियों। इसी प्रकार हम सरकार से कहना चाहते हैं इस विभाग को दूसरे विभागों की तरह ना मानकर इसकी टेक्निकली जो मजबूरियाँ हैं, टेक्निकली जो हमारी समस्याएँ आने वाली हैं, या सरकार को आने वाली हैं या विभाग को आने वाली हैं, उससे उपभोक्ता के कामों में फर्क पड़ेगा। उपभोक्ता को काम करने में लेट होंगे, वो पूरी कर्मचारी अपनी पूरी दक्षता से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे पहले से चला आया था महकमे में विभाग के अंदर, उसी प्रकार इसको लागू किया जाए और कर्मचारी इसके लिए आपको सरकार को मैनेजमेंट को आश्वासन देना चाहता है। अगर पिछले दिनों काफ़ी मेहनत करने के बावजूद तब जाके महकमा जहाँ पहले घाटे में चल रहा था, बिजली कंपनी घाटे में चल रही थी, आज मुनाफे में ले पाए हैं। और जब हम मुनाफे में ले आए तो उसके बाद सरकार ने हमारे पे ये कर्मचारी विरोधी नीति, ये ऑनलाइन पॉलिसी लाकर हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर ये इसको वापस नहीं लेती मैनेजमेंट ये हरियाणा सरकार, तो इसके लिए हमारा संगठन पुरजोर लड़ाई लड़ेगा। देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैं साथ ही साथ इनका ये भी बताना चाहूँगा कि ये अपने लिए नहीं जनता के लिए और सरकार की भी बदनामी ना हो, इस चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने सरकार से अपील की है कि वो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा गौर करे, उसके बाद उस नीति को लागू करे। इसके अलावा अगर वो नीति रद्द नहीं होती, कानून रद्द नहीं होता, तो इनका जो आंदोलन है, जो इनका आंदोलन का स्वरूप है वो आगे बढ़ सकता है, जो प्रारूप है वो तेज भी हो सकता है। सर, आप इस ऑनलाइन नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ तक कारगर साबित होगी? मैं तो दो बातें कहना चाहूँगा कि जो सरकार ये काला कानून हमारे कर्मचारियों पर, बिजली कर्मचारियों पर थोपने जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं सिटी सब डिवीज़न का प्रधान दीवानचंद, मैं इस नीति का पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरा जो संगठन है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हेड ऑफिस भिवानी, जो हमारे सेंट्रल काउंसिल के नेता हैं, जो उन्होंने का आह्वान है, उनका आदेश है कि जब तक ये सरकार हमारी ये पॉलिसी जो हम पर लादी गई है, थोपी गई है, इसको वापस नहीं लेगी, हम
अपने सेंट्रल काउंसिल के नेताओं के आह्वान पर पूरे आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी सब डिविजनों में सर्कल स्तर पर सभी सब डिविजनों में इस प्रकार की 2 घंटे की जो मीटिंग है गेट मीटिंग है सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने कर रही है। आज तीसरा दिन है हमारा। मैं आज हमारे सरकार जो किसानों के खिलाफ भी चल रही है नई नीतियाँ हो हमारे कर्मचारियों के साथ थोप रही है। हम चाहेंगे कि सरकार ये अपने काले कानून वापस ले और कर्मचारियों को ठीक प्रकार से काम करने दे। देखिए ये दीवान चंद जी थे, इन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से कृषि कानून तो पहले ही काले घोषित किए जा चुके हैं, अब जो बिजली कर्मचारियों पर ये जो कानून थोपा गया है वो भी काला कानून है, इसलिए इनको भी रद्द करना होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की जो ये नीति है वो किस? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं चक्रवर्ती शर्मा पूर्व सर्कल सेक्रेटरी एच एस सी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या भिवानी से हेड ऑफिस भिवानी हमारा यूनियन का हेड ऑफिस भिवानी करनाल से ही हूँ मैं, यहाँ पर रामनगर से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये पॉलिसी है फीडबैक है सरकार के बिल्कुल सरासर गलत फीडबैक जा रही है। अभी मेरे सर्कल सेक्रेटरी उमेश जी बता रहे थे कि भाई महकमे में प्रॉफिट महकमा पिछले 3 सालों से प्रॉफिट में आया है। कैसे आया है? ये कर्मचारियों की मेहनत से आया है, कर्मचारी ने फील्ड में जाकर काम किया। अब कार्य एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। अब यहाँ से आप जब मेरा कर्मचारी बाहर जाएगा क्या करेगा वो काम को? वो सुबह घर से चलेगा वहाँ 10 बजे पहुँचेगा, 1 घंटा लेट पहुँचेगा, शाम को जल्दी चलने करेगा, वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी, उपभोक्ता को परेशानी होगी और एक एक्सीडेंट रेशो बढ़ेगा। एक्सीडेंट रेशो कैसे बढ़ेगा? उन्हें काम का नहीं पता। जो लोकल कर्मचारी यहाँ काम कर रहा है, करनाल का कर्मचारी करनाल में काम कर रहा है, उसे पता है अधिकारी ने बुलाया भी फॉल्ट पड़ गया, आधी रात को हमारा कर्मचारी जाके फॉल्ट को ठीक करता है। जब आंधी तूफान बरसात चलती है होती है लोग अपने घरों में बढ़ते हैं, लेकिन एक बिजली ही कर्मचारी है जो घर से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा होता है, लाइट जलानी है, पब्लिक को घर में सुख शांति सोना है। यही पॉलिसी है। अभी आपने देखा होगा पीछे कोरोना COVID-19 में सभी लोग अपने अपने घरों में थे, सरकार का देश है घरों में बाहर ना निकलो, लेकिन एक बिजली कर्मचारी था भाई पब्लिक घर में कैसे रहेगी? क्यों? जब तक बिजली होगी तो गर्मी में रहेगी, लेकिन बिजली कर्मचारियों ने इतनी हार्ड तोड़ मेहनत कर रात दिन एक करके उसका बिजली चलाई है, लोगों को घरों में सुख शांति सुहा है। मैं तो इसीलिए सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई ये पॉलिसी है बिल्कुल गलत है, इसे रद्द करें और जो जैसे एज इट इज काम चल रहा है वैसे चलाए। जय वर्कर, जय जय भारत साथी। धन्यवाद सर। अगली रणनीति अब क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सिटी केबल का आज यहाँ पर हमारे समाचार एक्सप्रेस मीडिया का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों सबसे बड़ी बात क्या है कि भी सरकार ने जो आज ऑनलाइन पॉलिसी लागू की है हरियाणा सरकार ने, काफ़ी महकमे ऐसे हैं जैसा कि अध्यापक का महकमा है उसके अंदर इन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी को लागू किया है, लेकिन हमारा जो बिजली बोर्ड का महकमा है वो दूसरे महकमों से हटके होता है। हमारी जो लाइनें हैं उनके अंदर क्रॉसिंग होती है, उनके अंदर जंपर होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उसके अंदर रिस्क होता है, कहीं से जनरेटर की सप्लाई आ जाती है। हमें जो पुराने साथी हमारे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको ये पता होता है कि भी हमारी लाइन की क्रॉसिंग कितनी है और किस किस लाइन की कहाँ पे क्रॉसिंग है, किस हमारे सब स्टेशन से हमारी लाइन चलती है। क्योंकि जैसे अभी प्रधान जी बता रहे थे हमारे भाई, तूफान का मौसम, आंधी तूफान का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, किसी प्रकार का भी मौसम हो, ऐसे मौसम के अंदर जब भी हमारी सप्लाई ख़राब होती है तो हमारा जो पुराना साथी होता है जो लाइनमैन जेई हमारा उनको ये पता होता है कि भाई इसके अंदर हमारा कहाँ पे हमारी दुर्घटना हो सकती है और कहाँ से हमारी जंपर वीक था वो टूट सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो पुराने साथी हैं वो हमारी सप्लाई को जल्दी चालू कर देते हैं और जल्दी चालू होने की वजह से हमारे जो उपभोक्ता हैं इसके साथ साथ जो पब्लिक को हम सप्लाई देते हैं वो सप्लाई हम जल्दी सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। अगर अब सरकार आगामी रणनीति क्या रहेगी? अगर सरकार 3 दिन से आप बता रहे हैं कि आप आज आपने 2 घंटे की गेट मीटिंग की है, हमारा ये सेंट्रल काउंसिल केंद्रीय परिषद के आह्वान पर आज तीसरा दिन है, अगर किसी प्रकार से भी हमारी सरकार इन हमारी मांगों पर नहीं चेतती तो आने वाले समय में हमारी सेंट्रल काउंसिल का जो भी आदेश आएगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन का आए, चाहे वो भूख हड़ताल का आए, चाहे निश्चितकालीन हड़ताल का आए, हमारे एक एक कर्मचारी उस पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कानून है काला कानून है? हाँ जी बिल्कुल काला कानून है। जैसे 2002 में वाजपेयी सरकार ने हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करी थी, उसके रिजल्ट अब आज 18 साल बाद आने लग रहे, जो उस टाइम 2004 में जो स्टाफ भर्ती हुआ था वो आज जो फौजी भाई थे या कोई आज जो रिटायर हो रहा है उनकी 827 रुपये, किसी की 850 रुपये, किसी की 1000 रुपये पेंशन बनने लग रही, मतलब कि लगा हुआ बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। जो ये काला कानून लागू किया है
इसकी भी इसके जो रिजल्ट है दो चार साल जब आएंगे बड़े ही घातक आएंगे। कि देखिए मैं आपको बता दूं किस तरह से इन किसान नेताओं ने हमें बताया कि जो काला कानून इन्होंने भी उस कानून को ऑनलाइन ट्रांसफर को काला कानून घोषित कर दिया। इनका ये कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, सेंट्रल काउंसिल के आदेश पर वो काम करते रहेंगे, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, अमरण अनशन पर बैठना पड़े। इस ऑनलाइन ट्रांसफर के क्या नुकसान होंगे ये भी सब उन्होंने बता दिया, लेकिन साथ ही साथ ये जनता को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहते। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने ही महकमे को घाटे से उबारा और आज घाटे से उबरने के बाद मुनाफे में पहुंचने के बाद सरकार ने इनके ऊपर एक नीति थोप दी है जो सरासर गलत है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.